हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इसमें आप लोगों को पेमेंट एप्लीकेशन बना करके दिखलाने वाला हूँ, डिजिटल वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन बना करके दिखलाने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम डेमो एप्लीकेशन ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन करेंगे, स्प्लैश स्क्रीन आता है, उसका कुछ इस तरह का आपका स्लाइडर आएगा, उसका लॉगिन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कोई भी यूजर अपना मोबाइल नंबर डाल करके अकाउंट बना सकता है आपके एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस, मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया और वेरीफाई नंबर पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट बना लेता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद OTP आएगा, OTP के थ्रू वेरीफाई होगा। तो गाइस, उसका आपका कैमरा ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप अपना पिक क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस, सेल्फी लेने का कुछ इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आता है, जेंडर सेलेक्ट करने का, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालने का ऑप्शन आता है और ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आता है। चलिए, ये सब हम फिल करते हैं। तो गाइस, उसका पिन सेट करने के ऑप्शन आता है, सिक्योरिटी रीजन के लिए, कोई भी दूसरा बंदा ऐप के थ्रू किसी और को पे ना कर पाए, इसलिए इसके अंदर सिक्योरिटी पिन दिया गया है, जो कि यूजर अपना सेट कर सकता है पिन। तो क्या उसका देख सकते हो, फाइनली हमारा ऐप ओपन हो चुका है, जहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेल्फी आएगा और आपका नाम आएगा, गुड मॉर्निंग आएगा, जो भी चल रहा होगा टाइमिंग, उसका बैलेंस आएगा, इसके अंदर डॉलर शो कर रहा है, इसको 100 रुपीज़ आप कर सकते हो एडमिन पैनल से ही। उसका सेंड मनी का ऑप्शन है, कैश आउट का ऑप्शन है, उसका मनी रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे आपका अपना QR कोड भी शो करेगा, इसके अंदर कोई भी QR को स्कैन करके पे कर सकता है। और नीचे ही बहुत सारे ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आप बैनर वगैरह लगा सकते हो और अदर वेबसाइट को लिंक कर सकते हो, इस तरह से कोई भी ऑफर कोड यहाँ पे डाल सकते हो। और नीचे जितना भी आपने ट्रांजेक्शन कर रखा है वो शो करेगा। उसका हिस्ट्री का ऑप्शन आएगा, हिस्ट्री के अंदर जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किया वो भी दिखेगा। यहाँ पे स्कैनर का ऑप्शन है, यहाँ से कोई भी यूजर स्कैन कर सकता है, ओके, या तो फोटो को अपलोड कर सकता है। उसका आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर आया होगा तो शो करेगा। उसे प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर आपका नंबर वगैरह, QR, एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, रिक्वेस्ट, सेंड मनी, चेंज पिन, उसके आपको चेंज लैंग्वेज, डार्क मोड का भी इसके अंदर गाइस ऑप्शन मिल जाता है। उसका आपको 24/7 सपोर्ट आपको मिलता है, FAQ, अबाउट अस, टर्म्स ऑफ यूज, प्राइवेसी पॉलिसी, लॉग आउट, ये सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं ये एप्लीकेशन काम किस तरह से करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट होगा। तो गाइस, ये एप्लीकेशन मान लेते आपने बनाया, ठीक है, तो इस एप्लीकेशन से अगर आप किसी को मनी सेंड करना चाहते हो तो उसके पास भी सेम ही एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जिस तरह से पेटीएम काम करता है, जैसे कि पेटीएम का QR कोड पे पेटीएम से आप मनी सेंड कर पाते हो, दूसरे ऐप से नहीं कर पाते हो, उसी तरह से इसमें भी आपका काम करेगा। इस ऐप से उसी बंदे को आप पे कर सकते हो जिसके पास भी ये ऐप हो, ठीक है। तो इस तरह से अपना यूजर बेस आपको बनाना पड़ेगा। तो गाइस, ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में और चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे इसका फीचर वगैरह आप देख सकते हैं, योर इजी एंड रिलायबल डिजिटल वॉलेट, ये वॉलेट ऐप है, ओके। इसके अंदर फीचर है मनी ट्रांसफ़र, कैश आउट, रिक्वेस्ट मनी, ऐड मनी का ऑप्शन मिलता है और ईजी रजिस्ट्रेशन है। और आपका एप्लीकेशन का होम पेज कुछ इस तरह का है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। स्कैनर और मोबाइल नंबर डाल के भी पेमेंट किया जा सकता है, ओके। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिख जाएगा, इसके अंदर आपका पेमेंट गेटवे लगेगा, इंडिया के लिए Rezerpay होगा, ठीक है। ये सारे पेमेंट गेटवे है, तो पेमेंट गेटवे के थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो, जो कि आपके बैंक के अंदर आएगा। तो गाइस, इस एप्लीकेशन कुछ इस तरह का आपको पावरफुल एडमिन पैनल मिलता है, जहाँ से आप पूरा कंट्रोल करते हो आप अपने एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो डैशबोर्ड, जिसके अंदर आपका टोटल मनी वगैरह दिखाएगा, कितना यूज किया है, चार्जेज वगैरह सब दिखाएगा, ठीक है। एजेंट इसके अंदर ऐड कर सकते हो गाइज। इसके अंदर दो ऐप आता है, एक तो आपका यूजर ऐप और एक आपका सेकेंड ऐप आता है एजेंट ऐप, ठीक है, और एक एडमिन पेल आता है। तो इसके अंदर आपका एजेंट का भी ऑप्शन मिलेगा और टॉप कस्टमर। तो मैं आपको दोनों ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इंस्टॉल करके चेक कर लेना, ठीक है। तो एडमिन पेल का आप फीचर वगैरह देख सकते हो, मनी ट्रांसफर, ट्रांजेक्शन सब कुछ दिख रहा है, एजेंट कितना है देख सकते हो, कस्टमर कितना देख सकते हो, बैनर वगैरह लगा सकते हो यहाँ से अपने एप्लीकेशन के लिए, और जो भी वेबसाइट को लिंक करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन से वो भी कर सकते हो, नोटिफिकेशन भी भेज सकते हो, और सेटिंग के अंदर भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी यहीं से आप चेंज कर सकते हो। तो गाइस, इस तरह का अपना मनी ट्रांसफर एप्लीकेशन कंप्लीट अगर आप हमसे बनाना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में गाइस मिल जाएगा। तो गाइस, इस तरह का एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले इसका आपको सोर्स कोड डाउनलोड करना होगा, जो कि प्रीमियम सोर्स कोड है। सोर्स कोड डाउनलोड करने का आपको जिप फाइल मिलता है, जिप फाइल को आप अनजिप करोगे तो एजेंट का ऐप का सोर्स कोड मिलेगा, उसके आपको यूजर ऐप का सोर्स कोड मिलेगा, उसके आपको चेंज लॉग मिलेगा, इसका भी काम नहीं, उसका एडमिन पेल का फाइल मिलेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, रीड मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन का भी आपका काम है, डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर सकते हो आप, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको बताया गया रहता है कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस करना है, ठीक है। तो मैं वीडियो में बता ही दूंगा क्या क्या चेंजेस करना है, डॉक्यूमेंटेशन अपना भी देखो तब भी बना सकते हो इस वीडियो को फॉलो करके, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले आपको एडमिन पेल सेटअप करना है, तो एडमिन पेल सेटअप करने का आपका डोमेन एंड होस्टिंग होना चाहिए, तो आपको अपना सी पेल ओपन कर लेना है और यहाँ पे अपना जो भी जिप फाइल है इसको अपलोड कर देना, एडमिन न्यू इंस्टॉल, तो मैंने अपलोड कर रखा है पहले से ही,
ठीक है। अपलोड करने का आपको एक्सट्रैक्ट फाइल कर देना कुछ इस तरह से। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको अपना ब्राउजर के अंदर डोमेन ओपन कर लेना है और इसको इंस्टॉलेशन करना होगा एडमिन पैनल। तो डोमेन नेम जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको रेडी पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना। इसके अंदर PHP वर्जन 8.0 के ऊपर होना चाहिए तभी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट हम कर देते हैं यहाँ पे। उसका आपको इसका यूजर नेम परचेस को डाल देना है। उसका आपको प्रोसेस टू इंस्टॉल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाटाबेस बना करके उसका डिटेल्स फिल करना है। तो डाटाबेस आपको अपने CPL से बनाना है। तो CPL के होम पेज पे आएंगे और यहाँ पे डाटाबेस सेक्शन के अंदर जाएंगे। यहाँ पे MySQL ड्राइवर पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डाटाबेस का नाम देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाटाबेस का नाम देता हूँ पेमेंट, ओके। और नेक्स्ट स्टेप में क्लिक कर देता हूँ और यूजर नेम भी हम सेम देंगे। आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। उसके पासवर्ड यहाँ से जनरेट करके दोनों बॉक्स के अंदर पासवर्ड फिल कर देना और कॉपी करके भी रखना है पासवर्ड, और सभी बॉक्स के अंदर फिल कर देना है, यानी चेक लगा करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करना है। सबसे डाटाबेस का पासवर्ड जो कि हम फिल कर देते हैं, उसे डाटाबेस का यूजर नेम आपको फिल करना है। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे यूजर नेम और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से डाटाबेस नेम दोनों हमारा सेम है तो इस तरह से फिल करेंगे। होस्ट के अंदर आपको लोकल होस्ट टाइप करना है। तो मैंने यहाँ डाटाबेस का यूजर फिल कर दिया, उसका कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। उसका आपको इम्पोर्ट डाटाबेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको उसका आपको एडमिन अकाउंट सेटिंग आ जाएगा। यहाँ पे आपको एडमिन का डिटेल डालना है। तो बिजनेस नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड। यही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड से आपका एडमिन पर लॉगिन होगा, इसलिए सही से यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करना है। तो चलिए हम सब डिटेल यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो गाइस इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का अपना डोमेन नेम /admin आपको टाइप करना है ब्राउजर के अंदर। इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पासवर्ड टाइप करके कैप्चा टाइप करके आपको एडमिन पर लॉगिन कर लेना है। तो मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपने अभी डाला था इंस्टॉल करते वक्त, और पासवर्ड भी आपको वही डालना है जो आपने डाला था इंस्टॉल करते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिटेल्स फिल करके लॉगिन करके भी आपको दिखा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डोमेन नेम के ऊपर एडमिन पैनल इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। मैं लॉगिन भी हूँ एडमिन पैनल के अंदर, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपको करेंसी वगैरह चेंज करना है, तो करेंसी वगैरह भी चेंज कर सकते हो बिजनेस सेटअप के अंदर जा करके। तो यहीं से आपका करेंसी चेंज होगा तो आपको INR लिखना है, ठीक है, और आपका करेंसी सेलेक्ट करना है। कंट्री भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो कि आप इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, और बिजनेस का नाम देंगे, और जो भी आपका सिंबल है उसको राइट लेफ्ट कर सकते हो, इसको भी आप चूज कर सकते हो कोलकाता, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको अपना डाल देना है, लोगो वगैरह डाल सकते हो, फूटर का आइडिया सब डाल सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो, और ऑथेंटिकेशन जो होता है उसको इनेबल, ऑफ या डिसेबल कर सकते हो, ठीक है, वेरिफिकेशन को। उसका आपको सबमिट पे क्लिक कर देना, आपका सेव हो जाएगा। और भी इसके अंदर सेटिंग है जो कि आप कर सकते हो, रिकैप्चा लगा सकते हो, लैंग्वेज वगैरह सब कुछ आप डाल सकते हो एडमिन पैनल से। तो गाइज हमारा एडमिन पैनल सक्सेसफुली बन चुका है। उसके बाद गाइज आपको एप्लीकेशन बनाना है। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको यूजर ऐप का मिलता है कोड, एक एजेंट ऐप का मिलता है, तो दोनों का प्रोसेस सेम है। आप एक ऐप बना लेते हो तो उसी तरह से आपको सेकेंड ऐप भी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यूजर ऐप को मैं दिखा देता हूँ यूजर ऐप किस तरह से बनाना है। यहाँ पे आपको इसका डायरेक्टली कॉपी करना है और आपको जाना है अपने एंड्रॉइड स्टोर के अंदर। आपको यहाँ पे फाइल ओपन कर लेना है, प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है, ठीक है। प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करना मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एंड्रॉइड के अंदर जाएंगे, ऐप के अंदर जाएंगे, SRC मेन, उसके एंड्रॉइड मैनिफेस्ट .xml के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले पैकेज नेम चेंज करना है, तो पैकेज नेम अभी का क्या है उसको कॉपी करेंगे, ठीक है। उसका यूजर पे राइट क्लिक करेंगे और रिप्लेस इन फाइल पे आपको क्लिक कर देना है, और इसके बाद सबसे ऊपर वाले बॉक्स पे भी जो आपने पैकेज नेम कॉपी कर रखा है उसको पेस्ट कर देना है। उसका नीचे आपको जो भी अपना एप्लीकेशन का पैकेज नेम रखना चाहते हो वो आपको नीचे फिल करना है, टाइप करना है, ठीक है, जिस तरह से मैं टाइप कर रहा हूँ। आपको यूनिक सा देना है, मैं जो दे रहा हूँ आपको पैकेज नेम नहीं टाइप करना है, आपको एक यूनिक सा पैकेज नेम टाइप करना है, ठीक है। आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी नाम हो वही टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने डेमो के लिए टाइप किया ये पैकेज नेम, उसका रिफिल है। तो मैंने डेमो के लिए पैकेज नेम टाइप किया, उसका आपको रिप्लेस सेल पे क्लिक कर देना है। रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे तो आपका पैकेज नेम एप्लीकेशन का गाइज चेंज हो जाएगा। उसका आपको एप्लीकेशन का नाम चेंज करना है, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट .xml के अंदर ही आपका नाम चेंज होगा आपका एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे देख सकते हो लेवल के अंदर आपका लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको अपना एप्लीकेशन का नाम लिख देना है, जैसे कि माई ऐप इस तरह से लिख रहे हैं, जो भी आपका एप्लीकेशन का नाम है रखना है वो आपको टाइप कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन का नाम भी चेंज हो चुका है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन का कलर और आपका लोगो वगैरह चेंज करना है। तो कलर वगैरह कहाँ से चेंज करेंगे, लिब के अंदर जाएंगे, उसके अल्टी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको कलर रिसोर्सेज के अंदर अपना कलर कोड चेंज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। कलर कोड भी डाल सकते हो, कलर यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है।
उसका आपको ऐप कॉन्स्टेंट डॉट डाट के अंदर आपको एडमिन पेल का अपना यूआरएल डालना है यहाँ पे, ठीक है। उसका आपका एप्लीकेशन एडमिन पेल से गाइज लिंक हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपके एडमिन पेल का लिंक है वो डाल देना है यहाँ पे। लास्ट में आपको स्लैश नहीं डालना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन का नाम अपना डाल देना है। उसके बाद गाइज आपको एप्लीकेशन का लोगो वगैरह चेंज करना है, उसके लिए आपको जाना है एसेट के अंदर, राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन पे क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर पे हम क्लिक करेंगे और एसेट के अंदर भी आपका जो भी इमेज है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, रिप्लेस कर सकते हो। तो इसके अंदर भी आपका लोगो एक आता है, इसके अंदर आपको अपना लोगो रिप्लेस कर देना है लोगो डॉट png नेम से, ठीक है, सेम नेम से होना चाहिए। उसका एप्लीकेशन का लोगो चेंज करना है, यानी आइकन, मेन आइकन चेंज करने के लिए आपको एंड्रॉयड ऐप src मेन रिसोर्स, उसका आपको मिपमैप का जितना फोल्डर दिख रहा है सबके अंदर अपना इमेज रिप्लेस करना है सेम नेम से, आईसी लॉन्चर से, ठीक है। सभी के अंदर मिपमैप के जितने फोल्डर आपको दिख रहे हैं सब में आपको फिल करना है अपना लोगो। उसके बाद आपका एप्लीकेशन का लोगो भी चेंज हो जाएगा। तो गाइज इतने सारे आप चेंजेस करेंगे तो गाइज आपका ये पेमेंट एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप एजेंट एप्लीकेशन को भी बना सकते हो, जिस तरह से मैंने बनाया था। उसका नाम अलग से रखना है, उसका भी लिंक वगैरह सेम डालना है और कलर वगैरह, एडमिन पैनल और जो भी आपका आइकन वगैरह सब सेम तरह से चेंज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने बता दें किस तरह से अपना पेमेंट एप्लीकेशन आप बना सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। आप हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे स्किप थीम प्लगइन सोर्स को रखे करता हूँ, तो लिंक के डिस्क्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड बाय।